नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक और नई फ्रेश अपडेट के साथ। तो बहुत ही बड़ी तो भर्ती आ चुकी है राजस्थान के अंदर, जितने भी तो बेरोजगार युवा है उन सभी के लिए बहुत ही तो बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। राजस्थान में आई नई भर्ती 2021 राजस्थान तो पर्यटन विभाग 6000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन हुआ जारी। 10वीं पास बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 20000 रुपये तो प्रतिमा होगी वह सैलरी। तो बहुत ही बड़ी वैकेंसी आ चुकी है राजस्थान तो पर्यटन तो विभाग, जितने भी तो बेरोजगार तो युवा है जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल तो भर्ती प्रक्रिया के अंदर 1 से 2 नंबर से रह गए, उन सभी के लिए तो बड़ा तो मौका अब की बार आ गया। क्योंकि तो वर्दी का वो जुनून लिए जितने भी अभ्यर्थी है उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि तो पर्यटन तो विभाग के अंदर तो गार्ड की पोस्ट है जिसके अंदर तो आपको भी तो वर्दी मिलेगी और इसके अंदर तो 20000 रुपये तो प्रतिमाह वो सैलरी आपको दी जाएगी। अब बात करते हैं तो पर्यटन तो विभाग का ऑनलाइन आवेदन वो कब से शुरू होगा और इसके अंदर आपकी सलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, इन सबकी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। तो वीडियो को आखिर तक पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर कीजिएगा ताकि आपको राजस्थान के अंदर जितने भी नई नई भर्ती आती है उन सब की जानकारी सबसे पहले हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जाती है। अब बात करते हैं तो पर्यटन विभाग के अंदर तो क्वालिफिकेशन, तो पर्यटन विभाग के अंदर तो न्यूनतम तो क्वालिफिकेशन आपकी वो 10वीं पास तो रखी जाएगी और इसके अलावा इसके तो ऑनलाइन आवेदन, तो दोस्तों इसके ऑनलाइन आवेदन अभी तो पर्यटन तो विभाग पर्यटन वो नीति को दी मंजूरी। 6000 तो गाइड की भर्ती का रास्ता खुला, यानी कि अभी इसकी अनुमति मिल चुकी है। अब आपका तो पर्यटन तो विभाग तो भर्ती का वो नोटिफिकेशन आप मान के चलिए कि तो मई या तो जून के अंदर आ सकता है, यानी कि तो पर्यटन तो विभाग की नई भर्ती आप मान के चलिए कि अभी अप्रैल लास्ट या तो मई के अंदर आपकी आ सकती है। और इसके अंदर सलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसके अंदर आपका तो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद तो नॉर्मल तो ये फिज़िकल होगा, फिज़िकल के बाद आपका तो मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद में आपकी ज्वाइनिंग दी जाएगी, यानी कि आपको वो रिटन एग्ज़ाम फिर तो फिज़िकल और इसके बाद तो मेडिकल, यानी कि वो 3 चरणों से होकर तो गुजरना होगा। इसके बाद आपको तो पर्यटन विभाग के अंदर जॉब मिल जाएगी और इसके अंदर तो बहुत ही ऐसी सैलरी भी मिलती है, यानी कि तो 20000 के आसपास इसके अंदर सैलरी भी मिलती है और इसके अलावा जो भी तो पे ग्रेड है उसके तो अलावा जो भी आपका तो मेडिकल है, पीए यानी कि पीएफ है, उन सब का जोड़कर अलग से भी तो पेमेंट मिलता है। और इसके अलावा जब तो पर्यटन विभाग भर्ती का नोटिफिकेशन आपकी तो अप्रैल एंड या तो मई के अंदर वो जारी कर दिया जाए, जिसके अंदर पूरी तो विस्तृत के अंदर आपका नोटिफिकेशन के अंदर बता दिया जाएगा। और इसके अंदर आपकी तो उम्र का तो प्रावधान इसके अंदर तो न्यूनतम उम्र 18 साल और तो अधिकतम उम्र जब तो नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर तो पता चलेगी। और तो इसके अलावा आपके भी जो और भी कोई भी वो डाउट हो तो आप मुझे तो कमेंट बॉक्स के अंदर वो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।